नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं GDS ऑफिशियल। ये है ग्रामीण डाक सेवक और डाक विभाग का सबसे विश्वसनीय चैनल। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक पत्र दिख रहा होगा, उस पत्र के बारे में आपको बता दें, बेहद ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट ये पत्र है और जो भेजा गया है रविशंकर प्रसाद जी को। आपको पता है वो हमारे मिनिस्टर है कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, डाक विभाग के। और यहाँ पर जो पत्र भेजा गया है वो कोई आम इंसान द्वारा नहीं, बल्कि चिंता अनुराधा जी जो कि है सांसद लोकसभा की, और उन्होंने भेजा है। और NUGDS के स्पेशल जो है रिक्वेस्ट पर ये भेजा गया है और उन्होंने अपने तरफ से ये लिखा है। हम आपको बता दें, इस तरह की जो पहल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है GDS के परमानेंट होने को लेकर। अभी आपको बता दें, यहाँ पे आप देख सकते हैं NUGDS की तरफ से और बाकी जितने भी ग्रामीण डाक सेवक हैं उनके तरफ से रिक्वेस्ट किया जाता है कि GDS कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल को अमेंडमेंट किया जाए और GDS को 8 घंटे की ड्यूटी दी जाए पूरे भारतवर्ष में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है लेटर है और इसको ज़रूर, इसका रिप्लाई कहीं ना कहीं जो है रविशंकर जी ज़रूर देंगे, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भेजा है तो रिप्लाई तो देना पड़ेगा। और इसका रिप्लाई क्या आएगा उसके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। और यहाँ पे ये जो है इस चीज़ को लेकर जो है जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने की यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है और होना भी चाहिए दोस्तों। और इस चीज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से देख रेख की ज़रूरत है और रविशंकर जी को ये जो मैटर है इसको जल्द से जल्द निपटाना चाहिए, क्योंकि आपको बता दें पहले मनोज सिन्हा जी थे और उनको हटा दिया गया था मिनिस्ट्री के पद से, अपने मिनिस्ट्री के पद को खोना पड़ा था। कई सारे लॉस जो है डाक विभाग ने झेले थे, उनमें से ग्रामीण डाक सेवक का भी एक मुद्दा था जो कि वो जो हमारा जो डाक विभाग है और जो मिनिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल रही। तो दोस्तों इस बार क्या रिप्लाई आता है हम ज़रूर बताएंगे। आप चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कीजिए डेली अपडेट पाने के लिए। इस जानकारी पर हमारी जो है नज़र बनी रहेगी। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए दोस्तों इस जानकारी को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।